हेलो एवरीवन, गाइड टू एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो में जो पहला हमारा चैप्टर था बाल विकास, उसको कर लिया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था, बाल विकास, शैशवावस्था, मानसिक विकास, इस तरह के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा जो कवर होगा वातावरण के प्रकार, वंशानुक्रम का नियम, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, बालक पर वातावरण का प्रभाव, इस तरह के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमें अपने क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आइए जानते हैं हमारे उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर जो हमने अपनी पिछली हिंदी की वीडियो में आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की है, इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी था उपयुक्त सभी, यही हमारा राइट आंसर होगा कि इसका जो मुख्य कार्य होगा सरकार के लिए एक सैन्य सलाहकार भी होगा, 5-स्टार रैंक का अधिकारी भी होगा और तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा सरकार के लिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था उपयुक्त सभी, यही हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था, भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए हाल ही में निम्न में से किस देश से समझौता किया है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है उज्बेकिस्तान, ये हमारा राइट आंसर है कि उज्बेकिस्तान के साथ ये समझौता किया गया है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीन जो था हमारा, हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित करना है, तो ये कहाँ पर शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है त्रिपुरा, ये हमारा राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर वन, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है, ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स ड्रेवर ने, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी कैटल ने। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जेम्स ट्रेवर, ये हमारा राइट आंसर होगा। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीन्स के द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उनके गुणों एवं शारीरिक संगठनों को प्राप्त करता है, इसे ही हम अनुवांशिकता तथा वंशानुक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वंशक्रम संबंधी नियमों में सम्मिलित है कौन कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्नता का नियम, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यागन का नियम, ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यही हमारा राइट आंसर होगा कि वंशक्रम संबंधी नियमों में जो शामिल है वो विभिन्नता का नियम भी है, प्रत्यागन का नियम भी और समानता का नियम भी, ये सभी उसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विशेषज्ञों द्वारा ये पता लगाया गया कि जीन में निम्न में से मुख्यतः रूप से कितने जैविक अणु पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2, यानी कि विशेषज्ञों द्वारा लगभग 1950 ईस्वी में ये पता लगाया गया है कि जीन में मुख्यतः रूप से दो जैविक अणु पाए जाते हैं, कौन कौन से? DNA और RNA। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन नंबर बी मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये हमारा विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। विशिष्ट बच्चे वे बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से अलग होते हैं जहाँ की उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए शिक्षण विधियों में बदलाव या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे कुछ बदलाव की जरूरत होती है ताकि वो अपनी जो उसकी कमजोरियां हैं उनको दूर कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए रॉस ने, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर सी कैटल ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है रॉस, ये हमारा राइट आंसर होगा कि इनका कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डगडेल, ऑप्शन नंबर बी गॉल्टन, ऑप्शन नंबर सी गोडार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जिसको ऑप्शन नंबर सी है गोडार्ड ने, ही हमारा राइट आंसर होगा कि गोडार्ड का ही ये मानना था कि मन बुद्धि माता पिता की जो संतान होती है वो मन बुद्धि होती है, और जो तीव्र माता पिता की संतान होती है वो बुद्धि में भी तीव्र होती है, यानी कि बुद्धि में तेज होती है। उसने ये बात कैलिकॉक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया था इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक एवं पोषण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए बाल विकास को प्रकृति की छत्र छाया में बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक के अनुसार पोषण, ऑप्शन नंबर सी पोषण में प्राकृतिक तौर तरीकों के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना, और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक यानी कि पैतृक रूप से जो विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा को परिवेश में उपलब्ध गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अनुभवों से पूरा करना। तो जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चे में बौद्धिक विकास के मानक जो होते हैं, जो उसकी बुद्धि के विकास के जो मानक हैं, उसके तहत पैतृक रूप से यानी कि जो विरासत में प्राप्त बुद्धि लब्धि को उत्तम परिवेश की सुविधाओं से प्रखर करना है, यानी कि उसको उत्तम परिवेश की सुविधाओं से हम उसको निखार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, चरित्र का प्रभाव मत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर सी डगडेल और ऑप्शन नंबर डी गॉल्टन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है डगडेल, ये हमारा राइट आंसर होगा कि डगडेल का ये मानना था कि चरित्रहीन माता पिता की संतान जो होती है वो भी चरित्रहीन होती है। उसने ये बात सन 1877 ईस्वी में ज्यूस के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की थी। क्वेश्चन नंबर 9, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ और मार्क्विस, ऑप्शन नंबर बी लैंडिस और लैंडिस, और ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर और पेज, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वुडवर्थ और मार्क्विस, ये हमारा राइट आंसर होगा कि उनका ही मानना था कि बालक का जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व मत स्पष्ट किया गया किसके द्वारा? वुडवर्थ और मार्क्विस द्वारा। उनके द्वारा ही बताया गया कि बालक की बुद्धि और विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो रिश्ता है उसमें अथवा और या की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये संबंध केवल और से व्यक्त किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने इसका जो परिभाषा थी उसमें बताया कि व्यक्ति इज इक्वल टू वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं होकर बल्कि वंशानुक्रम इनटू वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा इसको पूरा करने के लिए? ऑप्शन ए गतियात्मक, ऑप्शन नंबर बी गौण, ऑप्शन नंबर सी स्थिर और ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक। तो जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी है स्थिर, यह हमारा राइट आंसर होगा कि अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती हैं उनका विकास डैश में होता है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय तथा परिवार, ऑप्शन नंबर बी वातावरण तथा वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम तथा वातावरण और ऑप्शन नंबर डी समाज तथा परिवार। तो आप इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें हमें। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण, यह हमारा राइट आंसर होगा कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। ऑप्शन है भौतिक विकास, ऑप्शन नंबर बी पालन पोषण, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास तथा ऑप्शन नंबर डी परिवेश के लाभ।
तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है पालन पोषण, ये हमारा राइट आंसर होगा कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं, यानी कि जो उसके परिवार का जो प्रभाव पड़ता है पालन पोषण के जरिए वो बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैनफर्ड बिनेट परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए टर्मन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी साइमन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड द्वारा और ऑप्शन नंबर डी बिनेट द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है टर्मन द्वारा, यह हमारा राइट आंसर होगा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था वो टर्मन द्वारा किया गया था 1916 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। ये किसके द्वारा? टर्मन द्वारा। और इस संशोधन में पहली बार बुद्धि लब्धि की धारणा का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया गया था, और ये किसके लिए, किसके ऊपर किया गया था? 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर ए वीजमैन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी गाल्टन और ऑप्शन नंबर डी टर्मन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है मेंडल, ये हमारा राइट आंसर होगा कि वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मेंडल हैं। और इसी के बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य पुरुष में डैश गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश गुणसूत्र होते हैं। जो हमारे इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई और एक्स एक्स, ये हमारा राइट आंसर होगा कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, जबकि सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं कितने प्रतिशत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन नंबर सी 50% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे इसका ऑप्शन नंबर सी है 50%, ये हमारा राइट आंसर होगा कि संतान को पिता से जो जीन प्राप्त होते हैं वो 50% होते हैं। आइए देखते हैं अब हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप इनका आंसर भी हमें कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी अश्विन पोनप्पा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सारंग हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर बी चेतक चीता हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर सी अपाचे हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू करने की घोषणा की गई प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात में, तो किस दिन से शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 11 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर। तो आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो आप हमारी वीडियोस को देखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उनको सभी को अच्छे से देख पाएं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो कि यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।